दोस्तों फाइनली आ चुका हूँ मैं अभी नानी लोगों के घर पे, और अभी आया हूँ मैं नानी लोगों के खेत में जहाँ की बहुत सारे संतरे के पेड़ हैं। जैसे कि आप देख सकते हो सामने कितने सारे संतरे लगे हुए हैं पेड़ पे, और नीचे भी आप देख ही सकते हो काफी संतरे हैं। चलिए जी, फिलहाल निकाल दिया मैंने एक संतरा टेस्ट करने के लिए। दोस्तों फिलहाल पहुंच चुके हैं हम अभी यहाँ पे पंचायती चौक पे, और यहाँ पे हो रही सत्संग। तो यही देख सकते हो आप 2024 का पहला दिन 1 जनवरी का मौसम, तो आप देख ही सकते हो कितना सुहाना मौसम हो रखा है और आसमान तो एकदम क्लीन हो रखे है, और अभी तक भी चांद आ ही रखा है। आप सभी को मेरा प्यारा नमस्ते, मेरा नाम है राजमन नेगी, तो आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो करीबन सुबह के 7:30 बज रहे हैं और आज के ब्लॉग को शूट हो रहा है 2024 के पहले दिन 1 जनवरी से। तो सबसे पहले आप सभी को नए साल की ढेर सारी बधाइयाँ, और नए साल पे आशा करता हूँ कि आप मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, और आप तक मैं नए नए अच्छे अच्छे ब्लॉग लाने की कोशिश करूँगा। देख सकते हो चारों ओर खेतों में एकदम धूप आ चुकी है और हरे भरे खेत दिख रहे हैं चारों ओर, और आज तो आसमान पूरा एकदम क्लीन हो रखा है यार, और अभी तक चांद भी आ रखा है। ये देख सकते हो आप यहाँ पे चांद कितना खूबसूरत लग रहा है यार। मम्मी बना रही भी खाना, ये देख सकते हो आराम से आग जल रखी है, और गांव में तो अलग ही मजा है यार आग सेकने का, और यहाँ पे मम्मी आराम से भी खाना बना रही है। तो चलिए जी, फिलहाल भी खाना खुना खा लिया है और मुंह हाथ भी धुल लिया है, तो अभी मेरी तैयारी है नानी लोगों के घर तक जाने की, क्योंकि घर पे बैठे बैठे तो बोर हो रहे हैं, तक मैं सोच रहा हूँ कि गांव से भी घूम के आ जाऊंगा और नानी लोगों से भी मिल के आ जाऊंगा। फिलहाल चलते हैं अभी नानी लोगों के घर। दोस्तों फाइनली आ चुका हूँ मैं अभी नानी लोगों के घर पे, और अभी आया हूँ मैं नानी लोगों के खेत में जहाँ की बहुत सारे संतरे के पेड़ हैं। जैसे कि आप देख सकते हो सामने कितने सारे संतरे लगे हुए हैं पेड़ पे, और नीचे भी आप देख ही सकते हो काफ़ी संतरे हैं। अगर आप में से किसी को ये संतरे चाहिए तो यहाँ पे कांटेक्ट नंबर आ रहा होगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए जी, फिलहाल निकाल दिया मैंने एक संतरा टेस्ट करने के लिए। तो ये देख सकते हो आप कितना मीठा है यार, मतलब भारी से लग रहा है, दब रहा है मतलब बहुत। फिलहाल छिलते हैं अभी इसे और फिर टेस्ट करते हैं जरा कैसा होता है। फाइनली छिल दिया मैंने संतरा, टेस्ट करके देखते कैसा होता है। तो चलिए जी, फाइनली मैंने कर दिया इसके 2 पीस, अब टेस्ट करके देखते जरा ये कैसा होता है। काफी टेस्ट हो रहा है, और गले में चले गया था मेरे बीच ने जो इसका ये रहता है। तो फिलहाल खाते हैं इनको अभी जी। फिलहाल हमारी तैयारी अभी गांव में जाने की, गांव में हम जा रहे हैं खटाई बनाने के लिए। तो फिलहाल मम्मी भी जा रही है, देख सकते मम्मी एकदम रेडी हो चुकी है, और हम जा रहे हैं मम्मी के दोस्तों के घर में, मतलब हमारी माई लगती है सामने उनका घर है वहां पे। फिलहाल चलते हैं अभी आराम से गांव में खटाई खाने के लिए। अरे जी, फिलहाल गांव में तो पहुंच चुका हूं, अभी जा रहा हूं मैं पंचायती चौक पे, आज वहां पे कुछ प्रोग्राम है नए साल के इस पे, तो जाते फिलहाल वहां पे अभी और दिखाते हैं आपको भी। और यहां पे देख सकते हो आप भाभी दुल रही, यहां पे कपड़े नए साल की तौर पे कपड़े। आ जाओ भाभी प्रोग्राम में, आ जाओ यहाँ पर। फिलहाल चलते हैं अभी पंचायती चौक पे, पहुंच चुके हैं पंचायती चौक पे, और यहाँ पे सारी गांव की महिला लोग तो इकट्ठे हो चुके हैं, पर यहाँ पे यार इस पे का माइक तो है नहीं, वरना उसे बजाना था। तो दोस्तों फिलहाल पहुंच चुके हैं अभी यहाँ पे पंचायती चौक पे, और यहाँ पे हो रहा है सत्संग। अभी तो गांव के बहुत कम लोग आए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे तो यार माइक वगैरह कुछ है नहीं, मतलब लाए तो था अभी यहाँ पे माइक, पर उसमें तो मतलब माइक नहीं था, और सब कुछ स्पीकर वगैरह जो भी चीज आती है सब कुछ था, पर माइक नहीं था, इसलिए अभी सब कुछ बंद कर लिया है, और अभी ऐसे यहाँ पे सत्संग वगैरह कर रहे हैं। चलिए जी, फिलहाल अभी पंचायत चौक से तो आ चुका हूँ मैं दिखोली गांव की, और मैंने सोचा वहाँ क्या करने आ रहे, आराम से घूमने जाके इधर साइड। फिलहाल सामने देख सकते हो बैठे हमारे महादेव सीतामेश्वर महादेव। फिलहाल चलते हैं अभी फील्ड के ऊपर जी। फिलहाल पहुंच चुका हूँ मैं अभी फील्ड के ऊपर, और सामने दिख रहा है जो आपको गांव, इसका नाम है चौनियाट गांव, और यहां पे बैठे हमारे श्री तामेश्वर महादेव भगवान, देवो के देव महादेव। फिलहाल यार आजकल तो गांव में कोई नहीं है, जबकि छुट्टी पड़ रखी है, सभी लोग उत्तरकाश में है यार। मैंने तो सोचा था कि
काफी दोस्त लोग मिलेंगे गांव में। फिलहाल यही घूमते पे आ रहा हूँ जी। थोड़ी देर पहले आ गया था मैं घर और अभी पहन लिए मैंने जूते। गांव में पाँव की हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं यार, धूल ही धूल से हो रहे हैं। और चारों लगा दिए मैंने ताला क्योंकि मम्मी तो जा रही है छान में, तो हम भी चलते हैं अभी घूमने की ओर।